एमएसक्यू ब्लॉग्स। तो गाइस आज हम लोग है रे रोड दारूखाना में, और जो आप हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर जिनको आप देख रहे होंगे, आपने इनको काफी और जगहों पे भी देखा है, काफी वीडियोस में भी इनको देखा होगा, मतलब देखा है तो इन दिनों काफी मतलब देखा है ना, तो लोग ज्यादा इनको पहचानने लगे, एकदम से अचानक से ये लोगों के बीच में आए बकरेबाजी में, है ना अहमद भाई, सही बोल रहा हूँ ना? तो मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाना चाहूंगा अपने चैनल पे, क्योंकि मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हो, देखा है तो सेकंड टाइम आए हो, फर्स्ट टाइम हम लोग ARM गुड फैम पे रहमान भाई के यहाँ मिले थे, आज आप सेकंड टाइम डायरेक्ट मेरे चैनल पे आ रहे हो, वहाँ पे रेफरेंस के थ्रू आए थे, ठीक है। तो हम लोग चाहेंगे कि आप अपना एक इंट्रोडक्शन, छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दे, और फिर हम लोग आगे शुरू करेंगे वीडियो को, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, मेरा नाम अहमद है। थोड़ा सा लाउडली बोलना पड़ेगा आपको। मेरा नाम अहमद है और मेरे काफी सारे फार्मों पे मेरे बकरे हैं इस वक्त, कुछ बकरे मेरे ये अपने पर्सनल है। आप भी खुद पर्सनल भी पालते हो? ओके जी, ये मेरे पर्सनल खुद के बकरे हैं, मैं पर्सनल पाल रहा हूँ पिछले 2 महीने से, ठीक है, और ये मेरे पास ही रहते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट अब तक के जो मैं था वो फार्म के ऊपर वाया था, अब ये मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ, सामने खुल के आ रहा हूँ पहली बार। ओके, तो मतलब फार्म पे से बकरे हटाने का तो कुछ नहीं है ना प्लानिंग आपका? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, जो जहाँ था वो वहीं है। ओके, जो बकरे जहाँ थे वो अल्हम्दुलिल्लाह वहीं है और अच्छा गेन कर रहे हैं। ओके, ये उसके अलावा है। उसके अलावा आपके पर्सनल आप खुद जो पाल रहे हो बकरे वो ये बकरे हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो बकरे हम लोग अभी आप वीडियो में कवर करने जा रहे हैं, ये हम लोग पब्लिक को, लोगों को शौक करवा रहे हैं, या फिर ये फॉर सेल के बकरे हैं, या क्या है? ये फॉर सेल है इस वक्त, मेरे को जितना शौक करना था 2 महीने, हाँ, उतना मैंने उनको पाल के अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास अच्छे से रखा हूँ, अब मैं इनको फॉर सेल ला रहा हूँ। मैं एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा, ये शौक, हाँ, मैं करीब 1.5 साल से YouTube कर रहा हूँ, हाँ, मेरे ख्याल से 2019 से, हाँ, YouTube चैनल मेरा चालू है और मैं कर रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, हाँ, आप एकदम अचानक से निकल के आए, ये अचानक से कैसे, क्या हुआ, ऐसा क्या है? था ये कि मेरा मैं था ये ऐसा कि मेरा अपना बिजनेस था। ओके, अब ऐसे आपका बिजनेस क्या है? टूर्स एंड ट्रेवल्स का। टूर्स एंड ट्रेवल्स, तो वो भी हम लोग बता देंगे, कहाँ पे आपका ऑफिस वगैरह? डोंगरी चार नल के पास के बिंडी बाजार पे। क्या नाम से है? जकरिया टूर्स एंड ट्रेवल्स। जकरिया टूर्स एंड ट्रेवल्स, ठीक है, ओके। मुझे इतना वक्त और इतना इसके बारे में पता नहीं था, फार्म्स वगैरह के बारे में, जब लॉकडाउन था तो जब मैंने यूट्यूब पे सब देखा, टाइम पास कर रहे थे, उसमें मुझे ये शौक लगा कि यार ये तो बड़ा आसान है फार्म अपना बकरा लेना, फार्म पे देना, क्योंकि मैं पहले बकरे पाल चुका हूँ अपनी दुकान के पास, मैंने बकरे पाल चुका हूँ, तो मुझे पता है बकरा पालने में कितनी मुश्किलें होती है, मैंने सोचा क्यों ना फार्म पे दिया जाए, तो मैं फार्म पे बकरे दिया भी था, लेकिन वहाँ पे एक ही महीने में मुझे वो फार्म की केयर टेकिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, हम लोग नाम नहीं लेंगे किसी का, बिल्कुल नहीं, उनका जो है मुझे देख रेख भी पसंद नहीं आया, तो मैंने एक ही महीने में उनसे अपने बकरे निकाले, वापस ले लिए, फिर आप पूरे बम्बई में छा गए जी, हर फार्म देखा और जहाँ मुझे समझ में आया। अच्छा, और एक और सवाल आपसे, मैं लास्ट टाइम मिला था इधर पे ARM गोट फार्म पे, वहाँ पे आपका एक बकरा बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में था, PPR पे था, वो मेरे को पता चला लास्ट वीक जब मैं गया था, आप वहाँ से निकल चुके थे, आपका बकरा मतलब वो नहीं रहा, मतलब खत्म हो गया हो, तो मुझे रहमान भाई से मैंने इंटरव्यू लिया तो आप बताया था उन्होंने कि अभी अहमद भाई आए थे वो चले गए, लेकिन जो उनका बकरा था वो सर्वाइव नहीं कर पाया, वो खत्म हो गया, तो उन्होंने आपको 11,000 रूपये पे किए जो उनकी स्कीम के मुताबिक दिया उन्होंने, ठीक है, मतलब आप ऐसे नहीं बोल रहे हो ना, पक्का नहीं, दिया है ना उन्होंने, वो पैसे लिए, हाँ, और उसके बाद में कुछ पैसे मैंने मिलाए, बकरा भी लिया, उसी टक्कर का बकरा लिया। अच्छा, लेकिन अभी मैं वो शो नहीं करूंगा, हाँ, क्योंकि अभी वो 1 महीना हुआ है मेरे पास आके, बहुत अच्छा है, अल्लाह सेहत उसको रखे इंशाल्लाह, 4-5 महीने बाद 6 महीने बाद आप ही के चैनल पे इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो हम लोग ये चीज को ध्यान रखेंगे और इंशाल्लाह जब हम लोगों को, जब नेक्स्ट विजिट मेरा होगा महीने भर बाद या जब कभी भी, तो हम लोग ये भी चीज हम वहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने रहमान भाई से बात करी थी वहाँ पे, उनके चैनल उनके वहाँ पे फार्म पे, उन्होंने बोला था हमने आपको उनको पैसे पे किए 11,000 रूपये, तो अहमद भाई आज अपनी जगह पे बुला के ये चीज की सबूत दे रहे हैं कि उन्होंने दिया है, हम ARM गोट फार्म पे नहीं, हम रे रोड पे दारू खाने में, है ना। तो आज हम अहमद भाई का शौक देख रहे हैं और इसमें कुछ बकरे हैं जो कि फॉर सेल है। सबसे पहला बकरा अहमद भाई, ये कौन सा ब्रीड है? ये इसको जमनापारी बोल लीजिए या आंसा बोल लीजिए, आजकल जो चल रहा है, ये वो ब्रीड है, 8 दांत पूरे कर चुका है बकरा, 8 दांत कंप्लीट हो गए इसके, 60-65 kg वेट है, 60-65 kg वेट है, ठीक है। तो ये फॉर सेल है हमारे पास, ओके। तो इसका प्राइस हम लोग कॉल पे बताएंगे या फिर
अभी वीडियो में बता देंगे। मैं इसके एक्चुअली मांग रहा हूँ 40,000 रुपीज़। 40,000 रुपए, ओके, जो कि नेगोशिएबल होंगे या फिक्स है? थोड़ा बहुत हो जाएंगे, थोड़ा सा नेगोशिएबल है, ठीक है। लेंथ आप खुद देख लीजिए, बकरा माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत है। यहाँ लाने के टाइम पे भी देख रहे हैं बकरे कैसे आ रहे हैं, ये बताता है कि बकरा कितना खुश और कितना अच्छे माशाल्लाह। बहुत बकरे जो है बहुत ही खुश दिख रहे हैं यहाँ पे, और भी पीछे स्क्रीन के पीछे और भी बकरे हैं, वो हम लोग वन बाय वन दिखाएंगे वीडियो के अंदर। तो ये पहला बकरा था जमुनापारी ब्रीड में, गुलाबी स्किन है। 40,000 आप कोट कर रहे हैं, 8-10 इसने कंप्लीट कर दिया। 60-65 kg का वेट है, अप्रोक्सीमेट बोलेंगे या कंफर्म बोलेंगे? वजन का अपने पास है ना, वेइंग मशीन है ना, ठीक है। तो ये पहला बकरा था जो कि अवेलेबल है फॉर सेल। ट्रांसपोर्टेशन कस्टमर की तरफ रहेगा, जिसको भी पसंद आता है वो आपको कॉल करेगा, आप लोग उसके बारे में डिस्कस कर लेना। मैं तो यही बोलता हूँ हर वीडियो में कि आप आओ लाइव अपनी आंखों से बकरा देखो, जगह देखो, बकरों की डाइट देखो क्या है, सारी चीजें आपके समझ में आती है कि, ताकि आप जब अपनी जगह पे बकरा ले जाओ ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर वहां से आप फोन नहीं करो कि भाई ये क्या हुआ, ये इसको ऐसा कैसे देना चाहिए, ये आप देख लो पूरा भाई बकरा क्या खा रहा है, बैठ के समझ लो, चाहिए तो नोट डाउन कर लो कि सुबह इसको क्या देना है, दोपहर में क्या देना है, शाम में क्या देना है। तो ये सारी चीजें बहुत हेल्पफुल हो जाती है लोगों के लिए कि आके देखने में ये सारे फायदे भी, और दूसरी चीजों का भी शौक हो जाता है। एक आदमी एक बकरा लेके तो नहीं बैठा है, मैंने देखा कम से कम अपने सेटअप पे कुछ नहीं तो 30-35 बकरे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और सारी ब्रीड है, हेडपेट से लेके जमुनापारी बर्बरी जीन सारी चीजें है। तो और भी सारी चीजों का शौक हो जाता है लोगों को, है ना, एक टाइम भी स्पेंड कर लेते हैं टाइम में और अपनी चीजें का शौक भी हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग अभी दूसरा कौन सा बकरा देखने वाले हैं अहमद भाई? अभी सानिन देखने वाले, एक सानिन अंग्रेज नाम है, तो अभी हम लोग अंग्रेज को बुलाएंगे यहाँ। इसका नाम क्या है? रजाक भाई, भाई भी आगे लगा दिए। चलो तो ये हमारे रजाक भाई है, अभी हम लोग देखेंगे अंग्रेज को, अंग्रेज क्या है देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी हम लोग इसी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे ना, ठीक है, ओके। चलिए अहमद भाई, मैं क्या बोल रहा था, क्योंकि जैसे कि हमारा वीडियो ना 7 मिनट का बन गया है, लोग है ना 2-3 मिनट ज्यादा से ज्यादा देते हैं वीडियो के ऊपर, ज्यादा नहीं देते। तो मैंने सोचा कि हम लोग है ना इसको अलग अलग पार्ट में बना लेते हैं, क्योंकि 20-25 मिनट का वीडियो होगा ना, जो लोग ज्यादा नहीं देखेंगे, फिर हो सकता है लोगों से ये बकरे मिस हो जाए जो हम लोग अगले वीडियो में दिखाने वाले है ना। तो हम लोग ये वीडियो क्लोज करते हैं और दूसरे वीडियो में हम लोग बाकी के बकरे शो करेंगे, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।